तो सर्वप्रथम ओम उच्चारण कर लेंगे हम। ये क्या हो रहा है, स्क्रीन बदल गया है। चलिए, तो पहली स्क्रीन पे हाँ आ गया। चलिए आंखें बंद करते हैं। चलिए अब हम रुक सकते हैं। ओम का उच्चारण पूरा हो गया, 1 मिनट लगभग। अब देखते हैं कौन प्रकट हुआ। नमो नमः राधिका महोदया। नमो नमः राधिका महोदय। आवाज आ रही है स्पीकर क्या? का प्रॉब्लम है, आई एम ट्राइंग टू सेट इट। वो थोड़ा सेट करने हाँ कर लो आप, पर आपकी आवाज तो हमको आ रही है। तो अभी अभी हमारा ओम का उच्चारण पूर्ण हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज तो हम एक बार जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो पहले का हमारा परिचय वाला जो भाग है वो हो जाएगा जल्दी से। तो राधिका महोदया, आपका माइक स्पीकर सब ठीक हो गया क्या? या अभी भी चल रहा है सेटअप? आप
आप असल में ऑडियो मतलब आवाज के लिए फोन से भी अलग से लॉग इन कर सकती हैं। तो कई लोग करते हैं वैसा दो दो बार, मतलब एक कंप्यूटर में देखने के लिए और दूसरा साउंड आवाज के लिए वो फोन से कर लेते हैं। तो उसमें फिर आवाज भी आ जाती है और दिख भी जाता है यदि वैसा करना है तो। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः। अभी आपको आवाज आ रही है सुनाई राधिका? दे रहा है? बहुत हाँ बहुत अच्छे से सुनाई दे बहुत जोर से। हाँ रहा है। अच्छे से सुनाई दे रहा है, बढ़िया सुनाई दे रहा है। चलिए तो अभी अभी हमने ओम का उच्चारण पूर्ण किया है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से एक बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो जिसको रिवीजन बोलते हैं, पुनरावृत्ति मतलब एक बार फिर से, पुनरावलोकन भी बोल सकते हैं, एक बार फिर से देखना, और पुनरावृत्ति मतलब एक बार फिर से करना। तो दोनों में एक ही बात है, क्योंकि रिवीजन जिसको कहते हैं लोग अंग्रेजी में, वही बात हम कर रहे हैं। तो मम नाम अंशु, अहम संस्कृतम पठामि लिखामि। सर्वेषां नमो नमः। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अभी? बहुत बिल्कुल दे रही है। जोर से राधिका महोदया, बहुत जोर से सुनाई हाँ दे रहा है, और बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, तो बिल्कुल यही थोड़ा रखो सा आप। माइक दूर कर दीजिए। नहीं, दूर करेंगे तो बिल्कुल ही कम ना हो जाए। अभी जो दे रहा है वो अच्छी दे रही है, ठीक है राधिका जी। अच्छे हाँ अभी सही है, अभी सही है। ओके सही क्या है, ये राधिका जी की आवाज ही नहीं है। क्योंकि मुझे धीमी से सुनाई दे रही है, तो मैं जोर से बात करने की कोशिश कर हाँ नहीं, आपकी आवाज अच्छे से आ रही रही है हूँ, तो पर थोड़ी कट रही है, ये थोड़ा। बहुत आपकी आवाज ठीक से आ जोर से रही है सुनाई रही हूँ। लेकिन कट रही है, हाँ, थोड़ी मैं ब्रेक हो रही है। फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दो दो दिख रहे हैं मुझे। हाँ दो है वो ठीक है। तो और एक बार करती हूँ। नहीं, तो मिश्रा जी, वो आपके पिन कोड का आपको समझ में आया क्या हुआ? मैंने सर लिख दिया था, नया वाला भी लिखा सर, एक्चुअली गलती से 3-8 हो गया, ये 3-9 है। हाँ नहीं उल्टा है, 3-9 हो गया है, 3-8 होना चाहिए। नहीं नहीं मुझे नहीं तो पोस्ट ऑफिस से कॉल आया था, मतलब नहीं वो सर, थ्री एट बोले। नहीं है, 3-9 है, अच्छा, तो क्योंकि 3-9-0-0-0-0-1-5। अच्छा, आप अपना कहीं किसी दुकान का कोई पता वता, यदि कहीं प्रिंटेड हो ना तो उसका फोटो लेके भेजिएगा, आसपास कोई भी, कोई हॉस्पिटल, कोई पोस्ट ऑफिस का। क्योंकि अहमदाबाद के वो पोस्ट ऑफिस ने जितने पिन कोड है सारे के सारे देखे, सब 3-8 से चालू होते हैं, 3-8-00। एक बार तो मैं सर इसलिए आपको एक बार देख के हमको, दे देता हूँ। हाँ फिर इसलिए हमको लगा कि 3-9 शायद गलती से लिख गया होगा, 3-8 है, तो वो नहीं थ्री सर, 3-8 तो हमने दिया था, बट गलती करके 3-9 मैंने लिखा, मैं एक्चुअली 3-9 है। उल्टा है। पोस्ट ऑफिस वाले बोले कि एक्चुअली 3-8 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला। मैं आज सर आज मेरा कार्ड इसको ये करके फोटो खींच के भेज देता। हाँ, उन्होंने ही मुझे कॉल किया था भेजने सॉरी वाले सर, को। मैं दुख दुख मैं दुखित दुखित हूँ, आप क्यों दुखी हैं? आप, आपके नाम गलत के दुखी है वो तो गलती मुझे पता चल गया, पर आप दुखी मत थी। होइए। नहीं मेरे मेरे नाम में सर नहीं है एक्चुअली, क्या ना जो तो दुखी लोग हैं मैंने उनके सामने। अच्छा, ये हाँ, मैं वो भी पूछने वाला था कि आपके नाम में जो दुखी श्याम आप बोलते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि आप दुखियों के श्याम हैं ऐसा? ये लॉर्ड जगन्नाथ का दूसरा नेम है, तो इसलिए।
अच्छा, जगन्नाथ भगवान का दूसरा नाम, बहुत बढ़िया। राधिका आपको आवाज आ रही है? राधिका जी, मम्मी, राधिका का माइक जब भी चालू होता है तो आवाज तो बच्चे की आती है। चलिए तो हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपने सुना क्या जब मैंने बोला कि मम नाम अंशु? मैं सुना सर। हाँ, अहम संस्कृतम पठामि लिखामि च, भवतः नाम किम मिश्रा महोदय? मम नाम डीएस मिश्रा, अहम संस्कृतम पठामि लिखामि वदामि च। उत्तमम उत्तमम। तो प्रश्न पृच्छतु। भवत्या नाम किम राधिका महोदय? मुझे थोड़ा ये मुझे समझ में नहीं आया है, आपने जो पहला जो पूछा। भवत्या नाम किम राधिका महोदय? भवत्या, हाँ। राधिका जी, आपका माइक बहुत जोर से आवाज आ रहा है, कान में एकदम गूंज रहा है। जोर से तो ठीक है पर कट रही है आवाज बीच बीच में। कभी हाँ कभी बंद हो जाता है, कभी आता तो बहुत जोर से आता है। अभी अभी नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ अभी आ रही है राधिका जी। आ रही है ना? आ रही है, बीच बीच में कटती। ओके महोदय, मम नाम राधिका। उत्तमम। पता नहीं आज कुछ तो कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ नहीं होता, पर परिचय पूरा मम नाम जैसे का इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जैसे मिश्रा जी ने क्या बोला, मिश्रा जी एक बार फिर से पूरा उत्तर दीजिए। मिश्रा दे, मम नाम राधिका। एवं आचार्य महोदय, आपका बहुत ही स्लो आ रहा है, राधिका मैडम का बहुत ही तेजी से आ रहा है। मैं मेरा ट्यून कर रहा हूँ ना, जब स्लो करता हूँ राधिका मैडम का सही ट्यून नहीं दे रहा है, आपका बिल्कुल सुन हो रहा है। और जब मैंने थोड़ा बढ़ाता हूँ राधिका मैडम का बहुत जोर हो रहा है। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है आपको? अभी सही आया। अच्छा, अभी ठीक है। ओके, अभी उत्तम। अस्तु अस्तु। तो राधिका महोदय, आप एक बार मिश्रा जी अपना परिचय फिर से दीजिए ताकि राधिका महोदय को पूरा जो हम बोल रहे हैं। मम नाम दुखी श्याम मिश्रा, अहम संस्कृतम पठामि वदामि लिखामि च। उत्तमम। प्रश्न पृच्छतु। भवत्याः नाम किम राधिका महोदय? गड़बड़ी है लग रहा है। राधिका जी आज सुनने वाले मोड में है ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब उनकी आवाज आएगी तो वो अपना अभ्यास कर लेंगी, चिंता मास्तु। इदानीं उत्तम पुरुष हमने पिछली बार किया था, आप लोगों को याद है सबको?
हमने अहम वयम ये वाला सब पूरा का पूरा किया था, है ना? वयम जैसे आप बोलेंगे अहम पठामि या अहम लिखामि, और या फिर मैंने आपसे यदि पूछा कि यूयम किम कुरुथ राधिका महोदया, सब ऐसे है ना, सब लोग क्या पढ़ रहे हो? हाँ, तुम सब क्या पढ़ रहे हो? यूयम मतलब पढ़ रहे हो? हाँ, अपन सामने वाले सब, से पूछ रहे हैं सब। हाँ, तो वयम संस्कृत पटामि संस्कृतम बोल, साफ साफ बोलना होगा संस्कृतम। हाँ, संस्कृत को पढ़ रहे हैं। ओके, वयम संस्कृतम पठामः पठामः। अभी प्रश्न पृच्छतु, आप यही प्रश्न मिश्रा जी से पूछ लीजिए। मिश्रा महोदय, लिखत यम किम लिखतः? यदि बोला तो वो द्विवचन है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है लिखत। हाँ, लिखत नहीं, लिखत 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 नहीं, लिखत लिखत थ को अलग से किम लिखत बोलना है। लिखत 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 अलग लिखत। और ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि द्विवचन को ना बहुत अधिक उपयोग नहीं होता है, थोड़ा बहुत उपयोग होता है। कभी कभी जब हम दो लोगों से ही बात कर रहे हैं तब हम द्विवचन बोलते हैं, तो अधिकतर एक वचन और बहुवचन का उपयोग होता है। तो वो कॉलम में जो है उसका हम ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं, द्विवचन का कभी कभी बस सिर्फ पता रहने के लिए कि होता कैसे है या क्या होता है, उतना ध्यान में रखना चाहिए, उपयोग बहुत कम होता है उसका। एक्चुअली अंशु महोदय, अगर दो लोग है तो भी द्विवचन के बदले बहुवचन तो वो कर ही सकते हैं ना? नहीं, गलत तो नहीं होगा? संस्कृत में यदि दो लोग हैं तो द्विवचन उपयोग करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुवचन जो है वो दो से ज्यादा के लिए है, ग्रेटर देन टू। ओके, ग्रेटर देन टू। ओके ओके, द्विवचन एग्जैक्टली इक्वल टू टू। ओके, पर ठीक है, मतलब यदि बिल्कुल आवश्यक हो जाए, आप भूल जाएं, मान लो भूल गए कि द्विवचन में क्या है, तो फिर बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं दो लोगों के लिए भी। ओके, तब चलेगा। पर अब जब संस्कृत सीख ही रहे हैं तो फिर शुद्ध संस्कृत भी सीखते हैं ना। हाँ, अच्छे से सीखते हैं। चलिए प्रश्न पूछिए फिर से। मिश्रा महोदय, युवं किम लिखत लिखत? अहम संस्कृतम लिखामि, वयम संस्कृतम संस्कृतम लिखामः। उत्तम मिश्रा महोदय, उत्तमम उत्तमम। अभी त्वम का हमने उपयोग किया है, त्वम किम पठसी, त्वम किम लिखसी, ऐसे पिछली बार किया था। हाँ, किया था। ठीक है, अब जो है हम प्रथम पुरुष देखते हैं, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं, ना वो मेरे बारे में है, ना वो सामने वाले आपके बारे में है,
हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बोला रामः पठति, तो राम पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रामः पुल्लिंग है इसलिए उसमें विसर्ग लगा है। यदि मुझे आपका बोलना होता तो मैं बोलता राधिका पठति, तो राधिका जो है उसमें कोई विसर्ग कोई मात्रा कुछ भी नहीं लगता। राधिका जब करता है तो वो मूल शब्द में ही रहेगा, जो मूल शब्द है राधिका वही रहेगा। तो राधिका महोदया, मिश्रा महोदय किम करोति? मैं प्रश्न राधिका महोदय, मिश्रा महोदय संस्कृत पठति। उत्तमं, संस्कृतं पठति। संस्कृतं पठति, उत्तमं उत्तमं। प्रश्न पृच्छतु, अब आप प्रश्न पूछिए मिश्रा महोदय से या मुझसे, आप जो किसी से भी पूछ सकती हैं, जो चाहिए जिसको चाहिए। I'm trying to think क्या पूछूं। जो मैंने पूछा है वैसे ही पूछ लीजिए, जैसे मैंने लिखा। मिश्रा महोदय, अंशु किं करोति? सः संस्कृतं, सः संस्कृतं पठति, पठयति। तो अब ये थोड़ा अंतर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे हम पठति बोलते हैं, ये पढ़ रहा है ना? पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, ओके। और पाठयति, पाठयति, मैं पाठयति जो है ये पढ़ा रहा है, ओके। तो ये रिवर्स है, एक में पढ़ रहे हैं अपन, एक में पढ़ा रहे हैं। पठयति, पठा नहीं, पाठ, पाठ, पाठयति, पाठयति। आ की मात्रा किधर है वो बस ध्यान में रखना है, उससे हो जाएगा, पाठयति। चलिए मिश्रा महोदय, आप प्रश्न पूछिए। राधिका महोदय, हाँ मिश्रा महोदय, आचार्य किम करोति? आचार्य संस्कृतम पाठयति, 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 पाठयति। उत्तमम। तो ये एक चीज ध्यान में रखते जाइए कि जब भी हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि हमारा उच्चारण शुद्ध होता जाए धीरे धीरे, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो होता जाएगा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे उच्चारण हमारा शुद्ध होता भी जाएगा। और जब भी चाहिए तो बीच में आप लोग कभी भी ये वीडियो देख सकते हैं, अपने ग्रुप में डालता ही हूं, तो कभी भी रिवीजन करना हो, पुनरावलोकन करना हो तो वीडियो देखते देखते साथ में उसका साथ में अभ्यास कर सकते हैं सुनते सुनते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मुझे किसी कुछ कोई चीज पता नहीं है कि ये क्या है, तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि रामः पठति, ये हमने अभी अभी वाक्य में भी उपयोग किया कि सह किम करोति या आचार्य किम करोति या राधिका किम करोति या महोदय किम करोति। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन तो हमने उपयोग कर लिया, ठीक है। एक वचन में आप यहाँ देखिए रामः भी लिखा है, और दूसरा उपाय है यदि नाम की जगह आपको सिर्फ बोलना है कि वो क्या कर रहा है, जैसे सर्वनाम होता है ना, वो क्या कर रहा है, तब हम बोलते हैं सा या सह, स्त्रीलिंग है तो सा, और पुल्लिंग है तो सह। अभी मिश्रा जी ने जैसे बोला था सह किम करोति, उन्होंने पूछा था आपको याद है? हाँ, सह।
तो सह मतलब वो, और ये पुल्लिंग है तो सह और लड़की है तो सा। तो अब इसी के ये जो रूप हैं एकवचन द्विवचन बहुवचन उनको भी एक बार देख लीजिए। सह, फिर तौ पठतः और ते पठंती। तो ये बहुवचन में पठंती हो जाता है और ते जो है पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग वाली लाइन यहाँ पे है। सा ते ताह ये स्त्रीलिंग है और सह तौ ते ये पुल्लिंग है। इसको हम एक बार आगे फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे इस पृष्ठ पे थोड़ी सी ज्यादा खिचड़ी हो गई है ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे एक बार खाली खाली पृष्ठ लेके लिखते हैं। ये तो सर हमारा पेज नहीं है, अच्छा ये अपना ही पेज है, अभी आएगा, एक मिनट बाद आएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। सह तौ पठति ते, तो सह पठति ये एक वचन है, तौ पठतः इसमें तह है और त्वम जब मध्यम पुरुष में हम उपयोग करते हैं जैसे त्वम युवाम यूयम उसमें पठ थह है तो वो त और थ का अंतर है। जैसे राधिका के नाम को कोई राधिका यदि कहता हो तो उसको तुरंत ध्यान में आएगा कि अरे कुछ गड़बड़ बोल रहा है क्योंकि वो ध ध अलग से सुनाई आना चाहिए। वैसे ये पठतः और पठतः, पठतः यदि हम बोल रहे हैं तब वो मध्यम पुरुष का है तो पठतः जो है वो होता है युवाम, युवाम पठतः। तो अभी पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। सह तौते, तो सह पठति तौ पठतः और ते पठन्ति। तो मतलब ही हो गया। वह ये पुल्लिंग में है और इसी का स्त्रीलिंग सा होता है तो सा पठति, राधिका पठति की जगह हम सा पठति भी कह सकते हैं और मिश्रा जी मिश्रा महोदय पठति की जगह हम सह पठति भी कह सकते हैं। हम सर्वनाम कब उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं? जब हम एक बार ऑलरेडी उनसे उनका एड्रेस कर चुके हैं फिर बाद में फिर से कोई प्रश्न पूछ रहे उनसे ही तो तब हाँ, बिल्कुल। तो या तो उनसे ही या उनके बारे में हम एक बार बता चुके हैं तो फिर हम आगे के वाक्यों में सर्वनाम उपयोग करते हैं। सो सह या सा, तौ जो है पुल्लिंग है और ते स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का ही, तो एक बार हम यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग भी लिख लेते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में क्रिया सेम रहती, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता तो पठती पठता पठंती ये कभी नहीं बदलेगा, ये लिंग के अनुसार नहीं बदलता। पर हमारा जो संज्ञा है या सर्वनाम है वो लिंग के अनुसार बदलता है। तो सह तौ ते ठीक है। तो अब मैं एक यहाँ पे कुछ बनाता हूँ और फिर आप बताइए कि मतलब उसका वाक्य बताना है कि क्या है। ठीक है, तो एतत् वृक्षः
एतत किम वृक्षः तो एतत मतलब ये क्या है और यदि वो मुझसे थोड़ा सा दूर है तो फिर मैं बोलूंगा तत किम। तो एतत और तत में सिर्फ इतना ही अंतर है जैसे हम दिस और दैट होता है ना या फिर हिंदी में बोलते हैं ये या वो। तो ये जो है हमारे अधिकतर हाथ एक हाथ की दूरी के अंदर होता है, कोई भी ऐसी चीज जो एक हाथ की दूरी के अंदर है वो ये है, वो एतत हो जाएगी। और जो भी एक हाथ की दूरी से ज्यादा दूर है वो तत है। एतत है ये और तत का अर्थ है वो या वह। तो एतत वृक्षः ये तो सर दो हो गया ना, इतना तो वृक्षः। हाँ वही तो कर रहा हूँ, रुकिए तो फिर मैं पूछूंगा। अम्मो पापा का एक ब्रेक करते हैं हैं तो से रुको रुको पेपर पे। तो अब जैसे हम ये बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए वैसे ही प्रथम पुरुष में नपुंसक लिंग के लिए भी होता है। तो मैं अभी से बता देता हूँ, हालांकि वृक्षः जो है वृक्षः आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पुल्लिंग है क्योंकि अंत में विसर्ग लगा है और अकार अंत है, वृक्ष जो है अ से अंत होता है इसीलिए वो विसर्ग के साथ उपयोग करते हैं, वो पुल्लिंग शब्द है। महोदय अब मैं वृक्ष के रूप भी लिख देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा। अभी हमने पिछले पृष्ठ पे देखा था पर वहां थोड़ी खिचड़ी ज्यादा हो रही थी इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः ठीक है। तो ये एक वचन है। द्विवचन है और ये बहुवचन है। हाँ तो अब बताइए ते के। अब के जो है अब इसका प्रश्नवाचक भी यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि प्रश्नवाचक बिल्कुल उनके जो ओरिजिनल सर्वनाम है उनके जैसा होता है, जो मूल सर्वनाम है ना। तो जैसे सह तौ ते है वैसे ही कह, संस्कृत में अधिकतर प्रश्नवाचक शब्द सारे क से शुरू होते हैं, कह कौ के। और स्त्रीलिंग में का के का है। तो जो उसका मूल शब्द है बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ क क लगा दिया, सहतौते कह गौ के साते ताह का के काह। ये समझा? ठीक है। और ये तालिकाएं जो हैं आप साथ में बनाते चलिए क्योंकि ये कभी भी आपको फिर से देखना हो तो ध्यान में आ जाएंगी, फिर से देखने के लिए आसान रहेगा।
और नपुंसक लिंग के लिए भी अभी हम कर लेंगे, पहले हम वृक्ष वृक्ष के बारे में समझते हैं कि जब मैंने बोला था एतद किम, तब आपने बोला तत। अब तत एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वृक्ष जो है क्योंकि पुल्लिंग है, तो आपको जब उत्तर देंगे तो हम बोलेंगे सह वृक्ष, क्योंकि वृक्ष जो है पुल्लिंग है, अब वो तत् नहीं रहेगा। तत् जो है ये नपुंसक लिंग में उपयोग होता है, तत् ते तानि, तत् जो है एक वचन है, ते द्विवचन है और तानि बहुवचन है। को एक नए रंग से कर देते हैं तो ये एक वचन द्विवचन को भी डिवाइड कर देते हैं। मिश्रा जी आप भी लिखते जा रहे हैं क्या, इसको कहीं पे नोट कर रहे हैं? जी जी हाँ, मैं भी। आपको लिखने के लिए समय चाहिए तो बोल दीजिएगा, अभी नहीं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रुचिकर चीज क्या है, मैं जो बता रहा था कि जब भी हमको कोई चीज के बारे में नहीं पता कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तब हम तत् किम बोल सकते हैं। तत् किम जो है बिल्कुल आराम से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है। ये समझा आपको, तत् किम आराम से किसी भी प्रश्न में बोल सकते हैं जब भी हमको पता नहीं है। कह हम क्या कह भी यूज कर सकते हैं अगर कह, यदि आपको पहले से पता है कि कोई पुल्लिंग ही है तब आप कह बोल सकती हैं, जैसे सह कह। यदि मुझे पहले से पता है कि वो पुल्लिंग ही है तब मैं सह कह पूछ लूंगा। यदि नहीं पता है कि वो क्या है, पूछने वाले को हमेशा जरूरी नहीं है ना कि पता हो। जैसे मान लो मुझे पता ही नहीं है कि कोई, जैसे कोई फोन दिख रहा है या कोई कोई जानवर दिख रहा है, कुछ और भी दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, राइट, तो तब मैं तत् किम पूछ सकता हूँ। तत् किम उसको उसकी तरफ इशारा करके हम ऐसे उंगली दिखा के पूछ सकते हैं कि तत् किम। तब फिर जो उत्तर देने वाला है उसको यदि पता है कि उसका लिंग क्या है, तब वो बता सकता है कि सह वृक्ष या सह कुकुर। जी को फोन आ रहा है या? हाँ, शायद मेरे घर से ही आ रहा है आवाज। ओके ओके ओके, खेल कूद चल रहा है बहुत सारा वहाँ पे। हाँ, कोई कुछ आपने थोड़ा सा माइक दूर कर दीजिए। हाँ, कोई सुनिए, आपने थोड़ा सा माइक दूर कर दीजिए क्योंकि बहुत जोर आ जाता है। हाँ, एक ये पता नहीं कुत्ते ऐसा दिख रहा है कि नहीं, पर ये कुकुरा है। ये पीक पीक जैसा दिख रहा है, फॉक्स की तरह दिख रहा है। हाँ, सबको अलग अलग दिख रहा है वो, किसी को पिक दिख रहा है, किसी को फॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो हम उसका भी कर लेते हैं। कुकुरा है जो है डॉग, ठीक है। वैसे ही जो ये तो अब असली में बिल्कुल मैं इसको लोमड़ी ही बनाने वाला हूँ, ये लोमड़ी ही बनेगी,
देखते हैं बनने चाहिए। श्रृगाल ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆ ಫ್ಯೂಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್.